माई चैनल। आज हम जा रहे हैं अमृतसर गोल्डन टेम्पल। मैं रेडी हो चुकी हूँ एंड बाकी सब भी रेडी हो रहे हैं। तो अभी हम हैं पटियाला में एंड पटियाला टू अमृतसर हम जा रहे हैं बाय ट्रेन, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है यहाँ पर एंड कार में इतनी दूर की ट्रैवल करना मेरे लिए तो बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। सो मैं जाके देखती हूँ कि कौन कौन रेडी हो चुका है एंड हम मिलते हैं स्टेशन पे। हम सब रेडी होके स्टेशन पे पहुंच चुके हैं और अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं। हमारी ट्रेन थोड़ी सी लेट है, सो फाइनली हमारी ट्रेन आ चुकी है और अभी दिन के 2 बज रहे हैं और एटलीस्ट हमें 6 to 7 आवर्स लगेंगे अमृतसर पहुंचने में। ट्रेन में काफ़ी मस्ती करने के बाद हम पहुंच चुके हैं अमृतसर और अभी रात के 9 बज रहे हैं एंड हम स्टेशन से गोल्डन टेम्पल की ओर जा रहे हैं। गोल्डन टेम्पल की ओर हम आ गए हैं और अभी हम अपने रूम की ओर जा रहे हैं। तो जितना पॉसिबल हो सके एक रूम्स गोल्डन टेम्पल के आसपास ही लेना चाहिए, क्योंकि इससे बहुत ही इजी हो जाता है यहाँ पर सभी जगह को एक्सप्लोर करना। यहाँ पर आपको सराहा दिखेगी जिसमें काफ़ी सारे रूम्स भी अवेलेबल होते हैं, बट ये सारे रूम्स पहले ही फुल बुक होते हैं और अगर आप इसमें रूम लेना चाहते हैं तो आपको इसके लिए 15 दिन पहले ही बुक कराना होता है। इसमें रूम के प्राइस 1000 है और ये सराहा गोल्डन टेम्पल के पास ही है, बट हमारा रूम होटल में है और वो भी गोल्डन टेम्पल के पास ही है। अभी रात के 10 बज गए हैं और जो दर्शन की टाइमिंग है वो सुबह 4 बजे से रात को 10 बजे तक होती है, तो अभी हम ये दर्शन नहीं हो पाएंगे, इसलिए रात को हम रूम में रेस्ट करने के बाद सुबह गोल्डन टेम्पल की ओर जाएंगे। तो गाइज मॉर्निंग हो चुकी है और आज वेदर भी बहुत ही अच्छा हो गया है, तो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है घूमने में। अभी हम सब रेडी हो गए हैं और गोल्डन टेम्पल में दर्शन के लिए जा रहे हैं। गोल्डन टेम्पल में फर्स्ट टाइम नहीं बल्कि पहले भी 2 बार जा चुकी हूँ, बट आज भी एक्साइटमेंट उतनी ही है। एंड यू नो गाइस, इस गुरुद्वारे को हरमंदर साहिब, गोल्डन टेम्पल और दरबार साहिब के नाम से भी जाना जाता है। सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग यहाँ पर दर्शन के लिए आते हैं। और ये जो आप हमारे सामने देख सकते हैं फॉरनर्स का एक ग्रुप दिख रहा है, ये भी गोल्डन टेम्पल में दर्शन के लिए आए हुए हैं। टेम्पल में अंदर जाने से पहले यहाँ पर पैरों को साफ करने के लिए एक जगह बनी हुई है, जिसमें पैरों को साफ करके ही टेम्पल के अंदर जाया जाता है। गोल्डन टेम्पल के अंदर दर्शन करने की टाइमिंग सुबह 4 बजे से रात 10 बजे तक की होती है और यहाँ बहुत लंबी लाइन्स में श्रद्धालु दर्शन के लिए लगे रहते हैं। हम भी अभी उसी लाइन में लगे हैं दर्शन के लिए। दर्शन के लिए आपको यहाँ पर काफ़ी वेट करना पड़ता है। गोल्डन टेम्पल के अंदर कैमरास बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, तो 2 आवर्स तक लाइन में लगे रहने के बाद फाइनली हमने दरबार साहिब के दर्शन कर लिए। गोल्डन टेम्पल के दर्शन करने के बाद हमें मिला कड़ा प्रसाद, जो कि बहुत ही टेस्टी होता है, तो इससे तो आप बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। दर्शन के बाद हम आ गए गुरुद्वारे के म्यूजियम हॉल में। यहाँ पर गुरुद्वारे की हिस्ट्री को दिखाया जाता है। म्यूजियम को 3 हॉल्स में दिखाया जाता है। म्यूजियम से निकलते ही हम आ गए यहाँ की मार्केट में। अब अमृतसर आके अमृतसरी छोले कुलचे नहीं खाए तो क्या ही खाया, तो हमें यहाँ दिखा ब्रदर्स ढाबा और यहाँ पर हमने अपना ब्रेकफास्ट किया, जिसमें हमने अमृतसरी छोले कुलचे ऑर्डर किए एंड सीरियसली ये बहुत ही क्रिस्पी एंड टेस्टी थे। तो अगर आप भी यहाँ पर छोले कुलचे ट्राई करना चाहते हो तो ये जगह डेफिनेटली मैं आपको सजेस्ट करूँगी, क्योंकि इनके छोले कुलचे सीरियसली बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थे। तो अब हम आ गए जलियांवाला बाग, जो कि गोल्डन टेम्पल के बिल्कुल पास है। तो यहाँ से इसकी एंट्री का व्यू कुछ इस तरह से दिखता है। ये वो ही जगह है जहाँ पर जलियांवाला हत्याकांड हुआ था और यहाँ पर ब्रिटिश सरकार ने गोलियाँ चलाकर बहुत से निर्दोष लोगों को मार दिया था। ये वो कुआँ है जहाँ पर लड़ाई में कितने ही लोगों ने कूदकर अपनी जान दे दी थी और इसमें से करीब 120 लोगों की बॉडी को निकाला गया था। तो आप सोच ही सकते होंगे कि कितने ही लोग इसमें कूदे होंगे। अब इस कुएं को चारों ओर से ग्लास से कवर कर दिया गया है। यहाँ पर एक अमर ज्योति है जो 24 घंटे चलती रहती है। कुछ ही दूर जाने पर आपको यहाँ की दीवारों पर अभी भी वो गोलियों के निशान देखने को मिलेंगे जो कि उस लड़ाई में चलाई गई थी। तो अच्छा लगा यहाँ पर आकर एंड काफ़ी कुछ आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर। तो आप जब भी अमृतसर आएँ तो यहाँ पर भी ज़रूर विज़िट करें। अब हम जा रहे हैं वाघा बॉर्डर, जिसे अटारी बॉर्डर भी कहते हैं। ये अमृतसर से करीब 30 किलोमीटर दूर है, तो जाते जाते एटलीस्ट 1 आवर्स तो ईजीली लग जाता है। यहाँ जाने के लिए बस भी अवेलेबल होती है, जिसकी टिकट ओनली 30 रुपीज़ होती है
या फिर आप बाय ऑटो भी जा सकते हैं 150 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से। हम ऑटो से ही जा रहे हैं। वाघा बॉर्डर इंडिया और पाकिस्तान के बीच की सीमा है। शाही किला वेलकम टू अटारी बॉर्डर। तो हम यहाँ पर पहुँच चुके हैं। यहाँ पर शो की टाइमिंग शाम 5:15 से लेकर 6 बजे तक होती है, तो जितनी जल्दी आ सको उतना ही अच्छा है। 3 बजे से ही यहाँ पर एंट्री शुरू हो जाती है। पहले यहाँ पर सिक्योरिटी चेकिंग के लिए लाइंस लगती है, उसके बाद ही अंदर के लिए एंट्री होती है। आज सैटरडे है और सैटरडे एंड संडे में यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश होता है, तो आप देख सकते हैं कि स्टेडियम पूरी तरह से फुल है। ये है इंडिया जहाँ पर हम बैठे हैं और दूसरी साइड से आपको पाकिस्तान दिख जाएगा। यहाँ से डायरेक्ट इंडिया और पाकिस्तान का बॉर्डर दिखता है। दोनों ही साइड में शो चलता है और परेड भी होती है। एंड यहाँ आके इतना ज़्यादा मज़ा आता है, इतना क्राउड एंड इतना जोश देख के सभी के मन में और भी ज़्यादा देशभक्ति जाग उठती है, तो बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है यहाँ पर आके। एंड गाइस, यहाँ पे आने के लिए कोई भी टिकट की ज़रूरत नहीं होती है, बस जितनी जल्दी आओगे उतनी ही ईजिली आपको यहाँ पर सीट मिल जाएगी। वाघा बॉर्डर से अगेन हम आ गए हैं गोल्डन टेंपल का नाइट व्यू देखने। आप देख सकते हैं कि नाइट में गोल्डन टेंपल और भी ज़्यादा सुंदर दिख रहा है। टेंपल के चारों ओर जो ये आप पवित्र जल देख रहे हैं, इसे अमृत सरोवर कहते हैं। सरोवर में बहुत से लोग नहाते भी हैं। इस सरोवर में बहुत सी फिशेस भी हैं और सरोवर में गोल्डन टेंपल की जो शेडो दिखती है, तो इससे नाइट में गोल्डन टेंपल और भी ज़्यादा सुंदर दिखता है। तो अब हम आ गए हैं गोल्डन टेंपल के लंगर हॉल में। गोल्डन टेंपल में है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कम्युनिटी किचन। यहाँ पर कोई भी भूखा नहीं रहता। यहाँ पर हर दिन करीब 1.5 लाख लोग लंगर खाने आते हैं। लंगर के लिए यहाँ पर प्लेट्स प्रोवाइड की जाती हैं। गुरुद्वारे के लंगर हॉल में एक बार में टोटल 5000 लोगों के बैठने की कैपेसिटी है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी प्लेट जो है वो रेडी हो रही है। इस प्लेट में हमें दाल, रोटी, कढ़ी, चावल और खीर लंगर के रूप में मिली है। एंड हर रोज़ यहाँ पर अलग अलग दाल सब्जी दी जाती है और खाने में ये लंगर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी होता है। इतना ही नहीं बल्कि यहाँ पर हाइजीन का भी पूरा ध्यान रखा जाता है। यहाँ पर प्लेट्स को 5 बार धोया जाता है। तो अभी रात के 10 बज रहे हैं और 10 बजे पालकी गुरु ग्रंथ साहिब को लेकर जा रही है और मॉर्निंग में 4 बजे गुरु ग्रंथ साहिब को पालकी में ही ले आएंगे गोल्डन टेंपल में। तो अभी हम कुछ देर तक यहीं पर सरोवर के पास बैठेंगे और यहाँ के सुंदर नज़ारे लेंगे। आप भी श्री हरमंदिर साहिब जरूर आएं और इस खूबसूरत जगह को विजिट करें। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।